लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले तक बीजेपी का धुआंधार प्रचार का जो कार्यक्रम है वो सामने आया है। 4 मार्च को नासिक में युवा मोर्चा का महासम्मेलन होगा, 5 मार्च को पटना में ओबीसी महासम्मेलन होगा। गृहमंत्री अमित शाह 5 मार्च को बिहार जाएंगे। पटना से 25 किलोमीटर दूर ओबीसी मोर्चा के महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश भर के जो ओबीसी हैं उन्हें भी बीजेपी का एक संदेश जो है वो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी है और अमित शाह का एक बहुत अहम दौरा जो है वो इसे माना जा रहा है, जो 5 मार्च को होने जा रहा है। माना जा रहा है कि देश भर के ओबीसी को बीजेपी एक संदेश यहां पर देने जा रही है। पटना से 25 किलोमीटर दूर ओबीसी मोर्चा के महासम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह जो है वो शिरकत करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है और इस बार के चुनाव में तो बीजेपी क्योंकि एनडीए गठबंधन को लेकर 400 पार का जो टारगेट है वो लेकर चल रही है, तो धुआंधार प्रचार और अभियान की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए अदिति, केवल यही नहीं, आपने देखा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और लगातार वहां पर जो गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं, 3 दिन तक वो गुजरात रहने वाले हैं। तो ये सारे दौरे जो है वो चुनावी दौरे ही हैं, भले ही उसमें किसी सरकारी कार्यक्रम के जरिए वो वहां पर लोगों को मोहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य अंतिम जो है वो चुनाव है और वोटरों को मोहना ही है। और इसी के तहत ये कार्यक्रम बैक टू बैक लगाए गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भी जाने वाले हैं, 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह न केवल बंगाल में होंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और वहां पर एक महिला महासम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और ये वही इलाका है जो संदेश खाली के नजदीक पड़ता है और वहां पर जाकर बीजेपी महिला सम्मेलन कर रही है। आपको पता है कि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ किस तरह का उत्पीड़न हुआ उसको लेकर राजनीति गर्म है और यही पर उसी संदेश खाली के पास में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह महिला सम्मेलन करने वाले हैं। तो इसके बहुत सारे मायने हैं और चुनाव है तो हर कार्यक्रम का, हर प्रोग्राम का, हर मूवमेंट का, हर रैली का एक मायने होते हैं और उन्हीं मायनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संदेश दे रहे हैं।